everyone. In this video lecture of microcontroller 8051, I am going to discuss about the rotation instruction of 8051. This is the type of logical instruction. Rotation instruction किसके type होते हैं? ये होते हैं हमारे logical instructions. Instructions, ठीक है? ये type of instruction. Now, अब हमें जो rotations के instructions देखने हैं, they are four type. First है R, R, A. Next is R, L, A. Next is R, R, C, A, R, L, C, A. तो हमें ये चार पढ़ने हैं, ठीक? तो one by one मैं start करती हूँ. First हम देखते हैं R, R, A, ठीक है? ये basically क्या करेगा? Rotate accumulator right, ठीक है? अब इसकी direction कैसे होगी? एक example लेते हैं. Suppose our instruction is move A hash 69H. Means ki after execution of this instruction, ye agar hamara accumulator hai, what is the value? 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Thik hai, ye value load hongi. Thik? Now, agar maine likha R, R, A, तो अब क्या होगी हमारी वैल्यू? A1 कहाँ आएगा? यहाँ पर. तो ये 0 कहाँ जाएगा? यहाँ 1 1 0 1 0 0. This is the new value. Suppose मैंने 1 more R R use किया, तो now ये वैल्यू शिफ्ट होगी. ये 0 कहाँ जाएगी? यहाँ पर. तो ये क्या होगा? 0 1 0 1 1 0 1 0. Clear है? कैसे? ये यहाँ आई, ये यहाँ आई, ये यहाँ, यहाँ सब राइट बिट शिफ्ट हो गई, ठीक है? एंड ये जो बिट थी, मींस कि दिस वन, ये कहाँ आ गई? यहाँ पर. तो हमें क्या मिला? 0, ठीक? तो ये हुआ हमारा आर आर ए. अगर इसका हम जनरल डायग्राम बनाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 8-bit accumulator, ठीक है? एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दिस वे, ठीक है? नाउ अब हम देखते हैं आर एल ए, मींस रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट. नाउ अगर लेफ्ट होगा तो व्हाट इज द डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग क्या होगी हमारी? इसमें डायरेक्शन क्या थी हमारी? ये शिफ्ट हो रही थी. तो अगर हम इसका जनरल डायग्राम बनाए, सपोज दिस इज एक्यूमुलेटर, ठीक है? तो इसकी जो एमएसबी बिट होगी, इट विल बी बिकम्स लास्ट बिट, मींस की एलएसबी बिट. और शिफ्टिंग की डायरेक्शन क्या होगी? दिस वे, ठीक है? ये हमारी शिफ्टिंग की डायरेक्शन होगी, क्लियर? ये हमारी क्या है? एलएसबी बिट. और ये हमारी क्या है? एमएसबी बिट, ठीक है? नाउ एक एग्जांपल, सेम एग्जांपल ले लेते हैं. हमारे पास एक्यूमुलेटर, मैंने लिखा मूव ए हैश 69, ठीक है? तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर? वैल्यू होगी 0 1 1 0 1 0 0 1. नाउ मैंने यूज किया आर एल ए, तो ये क्या करेगा? लेफ्ट रोटेट करेगा, मींस कि ये बिट कहाँ जाएगी? यहाँ पर. ये तभी आएगी जब ये आगे कोई शिफ्ट होगी, मींस कि शिफ्टिंग क्या होगी? ये 1 यहाँ, 0 0 1 0 1 एंड 1, एंड दिस 0 विल बी शिफ्टेड हियर. एमएसबी बिट कहाँ चलेगी? एलएसबी में, आर एल सी ए, ठीक है? इस केस में क्या होगा? रोटेट accumulator left through carry, ठीक है? पहले हम इसका जनरल डायग्राम देखते हैं. सपोज दिस इज अवर accumulator, ठीक? लेफ्ट शिफ्ट मींस की दिस वन, ठीक? अब इधर शिफ्ट होगा, ये हमारा क्या होगा? CY कैरी फ्लैग रजिस्टर. जो एमएसबी बिट है, दिस इज एमएसबी और दिस इज एलएसबी. एमएसबी बिट goes to carry flag, and carry flag की जो bit होगी वो कहाँ जाएगी? In LSB of accumulator, ठीक है? तो ये होगा इसका diagram, ठीक है? Now according to this diagram क्या हुआ? MSB bit of accumulator becomes carry flag, and carry flag bit becomes LSB of the accumulator, and all bits of accumulator will be shifted in left direction by 1, ठीक है? Now अब हम एक example लेते हैं. Suppose मैंने लिया CLRC. अगर मैंने ये instruction execute किया, तो CY will be
जीरो, ठीक है। नाउ मैंने लिखा मूव ए हैश ए नाइन एच, मैंने लिखा आर एल सी ए, ठीक है। तो मैं वैल्यूज यहाँ पे फीड करके दिखाती हूँ आपको कैसे ये फंक्शन करेगा। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस सी वाई की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। मूव ए 89 के बाद 1 0 0 0 1 0 0 0, ठीक। नाउ अगर हमारी लाइन एग्जीक्यूट हो गई आर एल सी ए, मीन्स कि ये वन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सी वाई पर, ठीक है। ये यहाँ पहुंचेगा, ये जीरो कहाँ, यहाँ, सेकेंड जीरो, थर्ड जीरो, ये वन, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, और ये कैरी वाला जीरो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। मीन्स कि नाउ एक्यूमुलेटर की जो न्यू वैल्यू है दैट इज जीरो 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 वन जीरो 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 जीरो, एंड सी वाई की जो न्यू वैल्यू है दैट इज वन। नाउ वन मोर आर एल सी अगर हम करते हैं तो नाउ ये वन हमारा कहाँ शिफ्ट होगा, इन एल एस बी, और सारे बिट आगे को शिफ्ट होंगे, मीन्स की जीरो जीरो जीरो, ठीक है। वन मोर जीरो देन वन जीरो जीरो, ये ए की न्यू वैल्यू, और सी वाई की वैल्यू क्या होगी जो यहाँ एम एस बी था, मीन्स की दस वन, ठीक है। तो नाउ दिस इज आर एल सी। अब हम देखते हैं आर आर सी ए, आर आर सी ए, इन दिस केस रोटेट एक्यूमुलेटर राइट थ्रू कैरी, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डायग्राम, 8-bit एक्यूमुलेटर, ठीक, यहां होगा कैरी फ्लैग, ठीक, ये होगी एमएसबी, ये होगा एलएसबी, एंड डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग क्या होगी, दिस वन, ठीक। मींस एलएसबी बिकम्स कैरी बिट एंड कैरी बिट बिकम एमएसबी ऑफ एक्यूमुलेटर, ठीक। एल एस बी कहाँ गई कैरी को, एंड कैरी बिट कहाँ गई एम एस बी को, ठीक। नाउ वन एग्जाम्पल सब सेट किया एस ई टी सेट बिट सी, ठीक है। अगर मैंने सेट बिट कैरी फ्लैग किया तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी वाई, सी वाई की वैल्यू होगी वन, मीन्स कि यहाँ होगा वन। देन मैंने लिखा मूव ए है 99, मीन्स कि ए की वैल्यू क्या होगी 1 0 0 1 1 0 0 1, वैल्यूज फिल करते हैं। नाउ अब मैंने यूज किया आर आर सी ए, तो नाउ अब शिफ्टिंग होगी, शिफ्टिंग होगी तो क्या होगा, ये वन यहाँ आएगा, ये वन यहाँ आएगा, तो न्यू वैल्यू क्या होगी, सबको आगे की तरफ पुश करेगा, मींस वन दिस वन, देन इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। नाउ ये वन कहाँ होगा, यहाँ पर, ये वन यहाँ, दिस जीरो वन वन जीरो जीरो, एंड ये वन कहाँ जाएगा, कैरी फ्लैग की न्यू वैल्यू, मीन्स की आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर की जो न्यू वैल्यू होगी वो होगी 1 1 0 0 1 1 0 0, एंड सी वाई विल बी 1, ठीक। नाउ अगर मैं एक और आर आर सी यूज करूँ, ठीक है, फॉर दिस न्यू वैल्यू, तो इन दिस केस क्या होगा, हमारी ये वाली बिट आएगी यहाँ को, मीन्स कि यहाँ क्या होगा 1, ठीक है। नाउ ये सारे के सारे शिफ्ट होंगे, तो 1 1, ये 2 1s, देन 2 0, देन 2 1, देन 0, एंड एल एस बी वाला 0 कहाँ जाएगा, इन कैरी, मीन्स की न्यू वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर विल बी 1 1 1 0 0 1 1 0, एंड सी वाई विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रोटेशन इंस्ट्रक्शन ऑफ 8051। थैंक यू सो मच। स्टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।